Hello children, today we will take up chapter number 2 of English 1, the new alarm clock. Children, alarm clock, kya use hota hai alarm clock ka? Jo alarm clock hoti hai, wo hume time indication deti hai ki hume kis time pe kya work karna chahiye. So let's start the chapter. A whirlpool arrived with a whoosh. Whirlpools, children, means जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो बवंडर, ठीक है ना, एक भंवर आता है, उसे कहते हैं whirlpool. एक whirlpool आता है with a whoosh. Here whoosh means a sound of whirlpool. Tina was late for class. Yet again, Tina अभी भी अपनी क्लास के लिए लेट थी. Her hair was flying in all direction. उसकी जो hairs थे हर डायरेक्शन में उड़ रहे थे. हर बैग हंग लूजली, उसने जो बैग टांगा हुआ था वो बहुत ही लूजली टक रखा था. विद अ ह्यूज पैंट शी अनाउंस्ड दैट शी हैड मिस्ड द स्कूल बस. टीना जैसे ही क्लास के अंदर एंटर होती है तो वो बताती है कि वो उसने आज अपनी जो स्कूल बस थी वापस मिस कर दी है. ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, तेज, एंड पंट मीन्स सांस लेना. तो टीना जब एंटर होती है क्लास में, दौड़ के आती है, तो वो बहुत जोर जोर से सांस ले रही होती है. ओके, अनाउंस मीन्स घोषणा करना या बताना. सबको बताती है कि आज फिर उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी. नॉट अगेन टीना सेड मिस सुदीप्ता आर इंग्लिश टीचर. मिस सुदीप्ता कौन है यहाँ पे? इंग्लिश टीचर है इन चिल्ड्रंस की. एंड वापस वो बोलती है मैम कि टीना तुमने वापस आज लेट हो गए, तुम वापस अपनी स्कूल बस मिस कर दी. सॉरी मैम, टीना सेड मीकली. मीकली मीन्स धीरे से. धीरे से टीना मैम को सॉरी कहती है. क्लास ओपन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक एंड आफ्टर दैट मैम सबको बताती है कि अपनी ग्रामर की बुक्स ओपन कीजिए. टीना सैट डाउन इन अ हफ. एंड टीना क्या करती है? गुस्से से. हफ मीन्स गुस्से से बैठ जाती है. As a special treat, I took out a paper with a Sudoku puzzle. यहाँ पे जो आई है, आई यहाँ पे टीना का एक फ्रेंड है अजय, उसके लिए यूज हुआ है. जैसे ही टीना बैठती है तो जो अजय है टीना का फ्रेंड, उसका मूड ठीक करने के लिए क्या करता है? I took out a paper with a Sudoku puzzle. Sudoku puzzle, a kind of puzzle होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों के न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें मिडिल में एक पहेली, एक पजल आती है जिसको हमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भरना रहता है. ठीक है, तो ये जो पजल है ये उसका फ्रेंड अजय क्या करता है, निकालता है एंड टीना की बुक के ऊपर रख देता है. आई हैड कॉपीड फ्रॉम द हिंदू. कहाँ से लेके आया था? जो हिंदू न्यूज़पेपर है वहाँ से वो लेके आया था. And placed it on her textbook. और कहाँ रखता है? उसकी textbook के ऊपर. She smiled gratefully. जैसे सुडोकू पजल को टीना देखती है, खुश होती है. After all, what are friends for? दीपा glared at me. अब इनकी third friend जो दीपा है, वो गुस्से से glared यानी गुस्से से घूरना. जैसे ही अजय सुडोकू पजल को टीना की textbook के ऊपर रखता है तो ये जो थर्ड फ्रेंड है दीपा गुस्से से देखती है और कहती है यस, जो फ्रेंड्स होते हैं वो यही काम करते हैं. नाइस फ्रेंड आर नॉट यू. बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो. यहाँ पे जो दीपा है वो टोन मार रही है अजय को. शी विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स धीरे से बोलना. सीलिंगली. सीलिंगली मीन्स मजाक उड़ाना. शी लुक्ड एट टीना. और टीना को देखती है दीपा. When are you going to make it to school early, Tina? तुम अपने स्कूल में टाइम से आना कब स्टार्ट करोगी? कहती है. Tina didn't answer. और Tina इसका कोई आंसर नहीं देती. She briskly filled numbers in rows and columns. और Tina क्या करती है? सुडोकू पजल उठाती है. Briskly means तेजी से. और तेजी से उस सुडोकू पजल्स को फिल करना स्टार्ट कर देती है. You have an alarm clock, right? Deepa asked Tina. थोड़ी ही देर में दीपा टीना को पूछती है कि टीना तुम्हारे पास अलार्म क्लॉक है ना? What's the use? And my dad and brother come into my room and yell too.
उस अलार्म क्लॉक का क्या यूज है, बिकॉज मेरे जो फादर हैं और जो मेरे ब्रदर हैं वो मॉर्निंग में मेरे रूम में आके चिल्लाते हैं. येल मीन्स चिल्लाना, जोर से चिल्लाना. ओके, आंट यू कैन स्टिल स्लीप थ्रू एवरीथिंग, आई आस्क हाफ जेलसली. और जो अजय है वो टीना को बोलता, अच्छा टीना तो इतना मतलब अलार्म क्लॉक भी बजती है, प्लस तुम्हारे फादर एंड ब्रदर चिल्लाते हैं उठने के लिए, तो भी तुम इतना आराम से सब कुछ भूल के सोती रहती हो. ये सब बातें अजय उससे हाफ जेलसी मीन्स ईर्ष्या के साथ पूछता है. She said in a matter-of-fact tone. Miss Sudipta stared at us. Ajay, do you have any doubts and passive and active voice? जब ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उनकी टीचर stared means घूरना, उनको घूरती है and अजय से क्या कहती है कि अजय आपको passive and active voice में कोई doubt है? She demanded और वो चाहती है कि वो कुछ उससे पूछे. Oh no, spare me, I said to myself. और अजय यहाँ पे आए कौन है, अजय है, तो अजय कहता है कि भगवान मेरी रक्षा करना, कहीं मैम मुझसे कुछ और पूछ ना ले. एंड टीना, व्हाई डू यू नीड टू प्लेस योर पेंसिल वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली टू डू योर ग्रामर? टीचर टीना को कहती है कि टीना तुम्हें अपना ग्रामर वर्क करने के लिए अपनी पेंसिल को बार बार टीढ़ा क्यों करना पड़ रहा है. टीना hastily stuffed the sudoku into another page. यहाँ पे what is the meaning of hastily? जल्दी से. okay, जल्दी से टीना उस sudoku puzzle को stuff करना, अपने जो book थी उसकी another page में छुपा लेती है. I think I will have to shift you three to the first bench, she said. teacher उनको कहती है कि तुम तीनों को मुझे आगे shift करना पड़ेगा. Someone snickered. What is the meaning of snicker? पागल से जोर जोर से हंसना. Okay? कोई जब मैम ऐसे कहती है तो कोई हंसता है. How shameful, I thought. और अजय को लगता है कि कितनी गलत बात है. Thankfully, a girl finished her exercise. और on that time क्या होता है? क्लास में एक गर्ल ने जो अपना ग्रामर वर्क था वो कंप्लीट कर लिया था. So, Miss Sudipta took out her pen and got busy. और इसलिए जो उनकी टीचर होती है वो उसका वर्क चेक करने में बिजी हो जाती है. दैट इवनिंग वी वेंट टू टीनाज हाउस. और इवनिंग में हम टीना के घर पे जाते हैं. आई हैव मेड सम हॉट समोसास, आई विल ब्रिंग देम, टीनाज मदर सैट स्माइलिंग फॉर्मली. और टीना की मम्मा क्या कहती है कि मैंने आप लोगों के लिए गर्म समोसे बनाए हैं और मैं आपके लिए लेके आती हूँ. आई होप नोबडी नोटिस्ड मी लुकिंग एट द किचन विद अ वाटरिंग माउथ. अजय कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे किसी ने किचन की तरफ देखते हुए नहीं देखा होगा. दीपा वॉज थॉटफुल एज वी रूट होम. जैसे ही हम टीना के घर से वापस अपने घर के लिए जाते हैं तो दीपा कुछ सोच रही थी. थॉटफुल मीन्स कुछ थिंकिंग करना. ओके, इट्स टीनाज बर्थडे ऑन थर्सडे. दीपा कहती है कि थर्सडे को टीना का बर्थडे है. हाउ अबाउट एन अलार्म क्लॉक एज अ गिफ्ट? और उसके लिए एक अलार्म क्लॉक गिफ्ट के रूप में कैसी होगी? तो नो, टीना ऑलरेडी हैज वन. अजय कहता है नहीं, टीना के पास पहले एक अलार्म क्लॉक है. अ ग्रॉन्ट, ग्रॉन्ट मीन्स किसी चीज के लिए मतलब मना करना, एकदम बोरिंग टाइप से मना करना. नहीं, टीना के पास अलार्म क्लॉक है. बट शी डजंट हैव अ जिग्सो अलार्म क्लॉक. डज शी? दीपा कहती है उसके पास अलार्म क्लॉक है बट उसके पास जिक्शो अलार्म क्लॉक नहीं है. दीपा स्पेंड द नेक्स्ट 5 मिनट्स डिस्क्राइबिंग द क्लॉक. और दीपा उस क्लॉक के बारे में बताने लगती है. प्रिटी कूल, लेट्स गेट इट देन. और अजय कहता है तो ठीक है, अभी हम जिक्शो अलार्म क्लॉक ही टीना को बर्थडे गिफ्ट देंगे. सर्च द शॉप इन अमर बाजार. और वो दोनों क्या करते हैं, अमर बाजार की शॉप्स में सर्च ढूंढने लग जाते. टिल वी फाउंड व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. जब तक अलार्म क्लॉक हमें नहीं मिलती तब तक हम सारी शॉप्स में उसको ढूंढते हैं. अन अलार्म क्लॉक, ऑल आई हैव टू डू इज हिट द स्नूज बटन, टीना लाफ्ड. और टीना हंसती है और कहती है अलार्म क्लॉक मुझे गिफ्ट में दोगे? एक ऐसी अलार्म क्लॉक जिसे मुझे हिट करके बंद करना होगा. This is no ordinary clock. Just set the time. Tomorrow we will see who comes to class first.
आई सेट, और अजय कहता है ये ऑर्डिनरी क्लॉक नहीं है, बस आप इसमें टाइम सेट करना और हम कल देखते हैं तीनों में से फर्स्ट क्लास में कौन आता है। आई कुड ऑलरेडी सी टीनाज मदर प्रेजिंग अस फॉर आर क्लेवर आइडिया। मैं देखता हूँ, मीन्स अजय देखता है कि जो टीना की मम्मा है वो इतने अच्छे आइडिया के लिए सबकी तारीफ कर रही है। अ क्लॉक टू चैलेंज द क्वीन स्लीपर हु टीना सैड ग्रीनिंग। हियर ग्रीनिंग मीन्स स्माइल ब्रॉडली, मीन्स जोर से टीना हंसती है और कहती है एक ऐसी क्लॉक जो मुझे मीन्स स्लीपिंग क्वीन को मार देगी ऐसा हो ही नहीं सकता। एट प्रीशियसली 6 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग द क्लॉक वेंट इनटू एक्शन। जैसे ही 6 बजती है क्लॉक अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है। 4 पजल्स स्कैटर्ड अक्रॉस द रूम, क्लॉक के 4 पजल्स जो होते हैं, पीसेस जो होते हैं वो पूरे रूम में बिखर जाते हैं। अ रेड पीस हिट टीना एंड ऑन ईयर शैटरिंग रिंग रिसाउंडेड थ्रू आउट द हाउस, और एक रेड पीस टीना को हिट करता है और पूरे रूम में एक भयानक वाली जो साउंड थी वो फैल जाती है। टीना स्लीपीली स्ट्रक द क्लॉक, और टीना नींद में ही उस क्लॉक को स्टक करती है, जोर से मारती है। नो इफेक्ट, शी बैंग्ड हर फिस्ट ऑन इट, कुछ नहीं होता तो क्या करती है वो मुक्के से जोर से उस क्लॉक को स्टॉप करती है। इट कैप्ट रिंगिंग, तो भी क्लॉक बजती रहती है। देन शी रिमेंबर्ड द न्यू अलार्म क्लॉक, शी ग्रॉकली ओपन हर आइज, उसे याद आता है अरे ये तो न्यू अलार्म क्लॉक है। सो वो क्या करती है, ग्रॉकली मीन्स कुछ नहीं समझ पाती और अपनी आइज खोलती है। शी फाउंड अ पजल पीस ऑन द बेड, और उसे एक पजल पीस अपने बेड में मिलता है। एज शी लुक्ड एट इट शी रियलाइज्ड द वेक्ट स्कीम ऑफ द क्लॉक एंड येल्ड आउट एंड डिसअपीयर। ओके, जैसे ही पता चलता है न्यू अलार्म क्लॉक है तो टीना बोलती है कि ये जो डरावनी क्लॉक है ये ऐसे बंद नहीं होने वाली है, ठीक है, और चिल्लाती है कि तुम दूर हो जाओ मुझसे। शी डियरली वॉन्टेड टू स्नागल डाउन बट द क्लॉक वॉज स्क्रीमिंग अवे। स्नागल मीन्स रुकना, वो चाहती थी क्लॉक जल्दी से स्टॉप हो जाए बट जो क्लॉक है वो उसकी साउंड आती ही रहती है। स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, अपने बेड से जंप करती है। 3 मोर पीसेस टीनाज ब्रदर आशु केम इन टू हर रूम, टीना का ब्रदर आशु आता है उसके रूम में और कहता है एक पीस टीना को मिल गया है लेकिन 3 और पीसेस जब तक उसमें ज्वाइन नहीं करोगे तब तक ये क्लॉक बजना बंद नहीं करेगी। ओके, कांट यू स्टॉप दैट हॉरिबल थिंग, और वो चिल्लाता है टीना पे कि तुम इतनी डरावनी चीज को स्टॉप नहीं कर सकते। ओह आई एम रियली ट्राइंग टू, टीना कहती है मैं यही कोशिश कर रही हूँ। कम एंड सी इफ यू कैन फाइंड 3 पजल पीसेस, तुम आओ और मेरी हेल्प कराओ 3 पीसेस को ढूंढने में। आई हैव द रेड वन, टीना क्राइड, मेरे पास रेड वन है। ग्रीटिंग हिज टीथ आशु सर्च द रूम एंड ग्रैब्ड अ ब्लू पीस नियर द कबर्ड। अब क्या होता है, आशु को एक ब्लू कलर का पीस मिल जाता है। ग्रीटिंग मीन्स अपने दांतों को जोर से दबाना, गुस्से में दबाते हैं ना वैसे ही। ओके, आफ्टर दैट टीनास मदर केम एंड रियली टीना शी स्टर्टर्ड। ओके, टीना की मम्मा आती और चौंक जाती है ये क्या हो रहा है टीना के रूम में। दैट पीप्ड इन, व्हाट्स गोइंग ऑन, सून द एंटायर फैमिली वाज सर्चिंग द रूम। डैड भी आते हैं और पूछते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, और सारी फैमिली मींस टीना उसका ब्रदर मदर एंड फादर सब उस रूम में अलार्म क्लॉक के जो पीसेस होते हैं उनको ढूंढने में लग जाते हैं। इज देयर नो अदर वे टू टर्न इट ऑफ, और उसके फादर कहते हैं कि इस क्लॉक को बंद करने का और कोई तरीका नहीं है। नो स्टफ टीना स्मैश इट, नो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। ये फादर कहते हैं कि टीना अगर ये बंद नहीं होती तो इसे तोड़ दो, स्मैश मीन्स तोड़ना, लेकिन टीना कहती है पापा मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा एक गिफ्ट है। आफ्टर दैट आशु पाउंस्ड ऑन अ येलो पजल पीस अंडर द टेबल, आशु को येलो पजल पीस मिल जाता है। पाउंस मीन झपटना। आई गॉट वन दैट अनाउंस वेविंग अ ग्रीन पीस एज इफ ही हैड वॉन अ लॉटरी। थोड़ी देर में ग्रीन पीस डैड को मिलता है और वो ऐसा करते हैं जैसे उन्होंने कुछ लॉटरी जीत ली हो। इट वॉज वेरी स्पेशल ओकेशन, और ये जो जीता वो क्या था, सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन था। विथ रिजेम्बलिंग हैंड डिफेट क्लॉक, सब लोग क्या करते हैं,
अपने कप कपाते हुए हाथों से उस क्लॉक के सारे पीसेस को ज्वाइन करते हैं। द फैमिली रिजॉइस्ड ओवर द साइलेंस बट ओनली फॉर अ मोमेंट। सारे लोग फैमिली मेंबर खुश होते हैं। दे स्टेयर्ड एट द टाइम देन एट ईच अदर इट वॉज 7 o'clock। आपस में एक दूसरे को देखते हैं, टाइम भी देखते हैं, उस टाइम 7 o'clock हो चुके थे। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड लंच, आई हैव नॉट हैड अ बाथ येट, माई बास्केटबॉल प्रैक्टिस या मीन्स न फादर ने बात किया था, न मदर ने लंच बनाया था और ना ही उसके ब्रदर ने बास्केटबॉल प्रैक्टिस की थी। बट इन स्कूल वी वर वॉन्डरिंग वाई टीना हैड नॉट कम अर्ली इवन आफ्टर आर ब्रिलियंट एफर्ट्स। और स्कूल में टीना के फ्रेंड्स दीपा एंड अजय सोचते हैं कि आज भी टीना लेट कैसे हुई। टीना केम लेटर दैन यूजुअल, टीना आज पहले से भी लेट हुई थी। शी कास्ट अ रियली डर्टी लुक एट अस एंड टीना क्या कर दिए, बहुत गुस्से से उन दोनों को देखती है। एंड आई अवॉइडेड लुकिंग एट हर, और अजय टीना को देखने से बचता है। वी वर हैविंग एन एसे टेस्ट एंड यू टीना कैन राइट अबाउट वाई यू केम लेट टू स्कूल टूडे 1000 words। एंड टीना की टीचर उसे कहती है कि टीना तुम्हें एक ऐसे लिखना है 1000 words का कि तुम आज स्कूल लेट क्यों हुई। टुडे आई विल डील विथ यू, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मिस दीप्ता सेड। ये कौन कहता है, उसकी टीचर। लेटर ड्यूरिंग रिसेस वी हियर द होल स्टोरी, जब रिसेस होती है तो टीना हमको सब स्टोरी बताती है। आई गॉट वेरी नर्वस, और जो अजय है बहुत दुखी होता है। वॉट इफ टीनाज मदर वॉज सो एंग्री दैट शी नेवर इन्वाइटेड अस टू हैव समोसास और एनीथिंग। और अजय सोचते हैं क्या होगा, टीना की मम्मा गुस्सा हो जाएंगी और वो हमको समोसा के लिए और अदर चीज के लिए घर पे नहीं इनवाइट करेंगी। अ टेरिबल थॉट, हाउ एवर मिस सुदीप्ता पुट थिंग्स राइट द नेक्स्ट डे। बहुत टेरिबल मीन्स एक बेकार थॉट आता है अजय के मन में, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, जो उनकी टीचर होती है वो सारी चीज़ों को परफेक्ट वे में कर देती है। वेरी क्रिएटिव ऐसे, आई शुड से टीना जिक्शा अलार्म क्लॉक, Indeed, some imagination, an A for you, एंड टीना की टीचर कहती है टीना तुमने ऐसे बहुत अच्छा लिखा जिक्शा अलार्म क्लॉक के लिए, एंड आपकी जो ये इमेजिनेशन थी वो बहुत अच्छी है और इसके लिए आपको A मिलेगा। टीना smiled at us broadly, और ये सुनते ही टीना अपने फ्रेंड्स की तरफ देख के बहुत जोर से हंसती है। Come home today, mom is making kheer, she whispered. I was thrilled to hear that. और टीना अपने फ्रेंड्स को कहती है कि आज मेरे घर पे आना, आज मेरी मम्मा ने खीर बनाई है। I was thrilled to hear that. और जो अजय है ये सब सुन के बहुत ही खुश होता है। ये थी हम लोगों की ये स्टोरी। ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे, बाय।